गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप वेब में। मैंने स्टार्ट करा था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इसमें मैं पिछले कक्षा में बताया था। क्या बताया था भाई? मैं बताया था मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आज की कक्षा में बात करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, ये कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार में क्या क्या होता है, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रकार था इसमें क्या था, संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद वन प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाता है? एक उत्पाद बनाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे कहने का मतलब है कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है, ये फॉर्म क्या करेगा? वन प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये वन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ये दो रिएक्टेंट है मेरा, ए और बी क्या है? दो रिएक्टेंट है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है? सी फॉर्म कर रहा है। और सी क्या है? वन प्रोडक्ट। यही तो बात करता है मेरा संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलता है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है। अब इसका कुछ एग्जांपल भी है जिसको हम लोग को समझना है। क्या है? तो पहला हम लोग बात करते हैं कंबजन ऑफ कोल। कंबजन ऑफ कोल, कोयले का दहन। क्या बोलता है? ये देखिए, कार्बन, हम लोग सबको पता है कोयला में ज्यादा ज्यादा मात्रा क्या होता है? कार्बन का होता है। कार्बन का होता है जी, कार्बन किस रूप में होता है? तो सॉलिड रूप में होता है। ठीक है, सॉलिड रूप में होता है। ये ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन O2 गैस है। ठीक है, ये गैस फॉर्म में रहता है, ये रिएक्शन का फॉर्म, और ये बन के क्या मिलता है हम लोग को? CO2। क्या मिल रहा है? CO2, जो किस फॉर्म में होता है? ये गैस फॉर्म में होता है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे आते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है। इसी का क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है जल का निर्माण। जल का निर्माण क्या है? H2 जो गैस है, H2 जो गैस है, और इसी के साथ O2 है, वो भी गैस में ही है। और जब रिएक्शन फॉर्म हो रहा है तो H2O। अब बोलिएगा सर, यहाँ तो H में भी इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाया गया है, जिसके कारण ये फुल्ली बैलेंस हो पा रहा है। इसे पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं मिस किया है तो आप सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसके पिछले वाले वीडियो को ध्यान से देखें। तो आप बात कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया के, इसमें टोटल 5 से 6 अभिक्रियाएं होते हैं। संयोजन अभिक्रिया के तहत एक और इसमें होता है अभिक्रिया, उस अभिक्रिया का नाम है, इसको हम लोग समझेंगे। इस अभिक्रिया का नाम है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ये किसमें आता है? तो संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जी हाँ, ऊष्मा, हीट का उत्सर्जन होता है। क्या बोलता है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है या फिर उत्सर्जन होता है, वो क्या कहलाता है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है। क्या बोला है इस एग्जांपल? इस एग्जांपल बताया गया है प्राकृतिक गैस का दहन। क्या बोला गया है? प्राकृतिक गैस का दहन। इसमें इसका समीकरण भी है साथ में, CH4 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का साइन के बाद CO2 प्लस 2H2O, और ये हीट का जनरेशन, हीट का जनरेट हो रहा है। ये हीट जनरेट हो रहा है ऊष्मक्षेपी में। क्या हो रहा है? ये हीट जनरेट हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। इसके बाद ये दूसरा एग्जांपल आते हैं, इसमें हम लोग दूसरा एग्जांपल क्या बोलने वाला है? कहता है श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन रेसिप्रेशन। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? हम लोग खुद देखते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, उसमें हल्की हल्की गर्माहट आती है। जैसे हम लोग ठंडों के दिनों में अगर देखते हैं कि जब हम लोग को ठंडा लगता है तो मुंह के सामने उंगली ला के भाप मारते हैं, उसमें क्या होता है? तो हम लोग गर्मी एहसास होता है। यही प्रक्रिया क्या हम लोग को बता रहा है, सिखा रहा है कि उसमें उसमें क्षेत्र प्रक्रिया होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है? हीट जनरेट होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके और विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले अभिक्रिया के प्रकार में बात करने वाले हैं दूसरे अभिक्रिया का, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होता क्या है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में क्या होता है? एकल अभिकारक जो होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद को बनाता है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर एकल अभिकारक का, तो ये मान लेते हैं हम लोग मेरा एक अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और जब रिएक्शन होता है तो ये टूटता है। क्या करता है? टूटता है, और टूटने के बाद क्या करता है? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना, और टूट के एक दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को बनाना। इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे, उसमें क्या होता है? दो अभिकारक मिलकर क्या बनाता है? एक प्रोडक्ट बनाता है। और हम लोग वियोजन में क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, कंपेयर करके पढ़ने से क्या होता है ना, माइंड क्लियर होता है। तो आप लोग अगर अपने घर में भी पढ़ते हैं तो उसको कंपेरिजन कीजिए। कंपेरिजन करने से क्या होता है, आपको ना जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते जाएगा। तो पढ़ने का ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा, समझिएगा। क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में?
एकल अभिकारक क्या होता है, टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, हमने बात किया था ये। अब इसके ही अंतर्गत एक और आता है उष्मीय वियोजन। क्या होता है? उष्मीय वियोजन। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, उष्मीय वियोजन क्या होता है। इससे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। इस डेफिनेशन में क्या है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, ठीक है। जैसे हमने बात किया था एक एकल अभिकारक है और इसका प्रोडक्ट क्या है, बी और सी, ठीक है। इसके अंतर्गत आया था क्या, उष्मीय वियोजन। क्या आया था? उष्मीय वियोजन। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा होती है उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। उष्मीय वियोजन में क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको, उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं उष्मीय वियोजन, ठीक है। इसकी परिभाषा मैंने क्या बोला था, उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन। उष्मा इंग्लिश में हीट बोला जाता है, उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसका ही कुछ एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम लोग एग्जांपल को नहीं देखते हैं, हम लोग का माइंड क्लियर नहीं होता है। तो हम लोग एग्जांपल से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए एग्जांपल को मिस मत कीजिए, इसको समझिए। जितना डेफिनेशन समझने में मदद नहीं करेगा, उतना इससे एग्जांपल आपको पूरा फुल डेफिनेशन को समझने में ज्यादा मदद करने वाला है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से इसका उदाहरण को देखेंगे, एग्जांपल को देखेंगे। क्या बोलता है इसका एग्जांपल, पहला बोलता है फेरिक सल्फेट टू Fe2SO4 जो फेरिक सल्फेट कहलाता है। इसमें रिएक्टर में काम कर रहा है हीट जो ऊपर देखिए यहाँ पे हीट है, उसमें अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या रहा है, हीट जनरेट। क्या बोलता है यहाँ पे Fe2O3 और साथ ही साथ SO2 प्लस SO3 ये गैस है, ठीक है। ये हमारा है फेरस सल्फेट और ये मेरा हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। आते हैं इसके नीचे एग्जांपल में, CaCO3 क्या है, ये CaCO3 है जो एक सॉलिड है, जिसको हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें जब हीट लगता है तो क्या होता है, CaO अलग टूट जाता है, जो CaO अलग टूट जाता है और साथ ही साथ CO2 अलग जो गैस में आता है, एक सॉलिड है दूसरा गैस में आता है। और इसको हम जानते हैं बुझा हुआ चूना के रूप में, क्या आता है, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना के रूप में, किसमें, बिना बुझा हुआ चूना के रूप में। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर वाले एग्जांपल में तो क्या देखते हैं, इसके ऊपर वाले एग्जांपल में होता है 2FeSO4 जो फेरस सल्फेट है, और उसके बाद जब आफ्टर रिएक्शन क्या बन के मिलता है हम लोग को, Fe2O3 जो सॉलिड है, SO2 गैस है और SO3 ये भी गैस है। हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट और इसको फेरिक ऑक्साइड। ये कलर में कैसा होता है, तो ये हरा कलर का होता है, और ये कलर में कैसा होता है, लाल भूरा कलर का होता है, लाल और भूरा कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वैद्युत वियोजन, जो नाम से स्पष्ट है, विद्युत धारा को प्रभावित करने वाला वियोजन, प्रवाहित करके होने वाला वियोजन को क्या करते हैं हम लोग, वैद्युत वियोजन कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देकर हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसका एग्जांपल जो है 2H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब हम लोग विद्युत धारा से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या हम लोग को फॉर्म मिलता है, 2H2 ये गैस फॉर्म में और O2 ये भी गैस फॉर्म में। हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या बताए थे कि एक अभिकारक है वो टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एकल अभिकारक है, ये रिएक्टेंट 1 है, और जब टूटता है विद्युत के साथ रिएक्शन करता है, विद्युत धारा के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, टू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, टू प्रोडक्ट क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है।
इसी के जैसा एक और आता है, ये आता है हमारा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय लाइट के लाइट लाइट वियोजन, ठीक ना। इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह वैद्युत वियोजन में हम लोग बात किए थे, विद्युत धारा प्रभावित करके होने वाला वियोजन, ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रकाश में आते हैं तो प्रकाश की धारा की उपस्थिति रहने पर इसका वियोजन करवाया जाता है। तो क्या मिलता है हम लोग को, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। इसमें लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या बोलता है, 2AgBr एक सॉलिड है और इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ सन लाइट रहता है, सन लाइट SUN सन LIGHT लाइट, सन लाइट के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या मिल रहा है हम लोग को, 2Ag ये भी सॉलिड फॉर्म में और प्लस Br ये गैस के फॉर्म में। और एक चीज में ध्यान देने वाली बात है, क्या है इसमें हम लोग बात करते हैं, नोट है इसमें, क्या है नोट में, कहता है इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट, इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा सीधा पूछ सकता है कौन सा अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं प्रकाशीय वियोजन। क्या बोल सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन, किसमें उपयोग होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जी हाँ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका सीधा उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना होगा, जानना होगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और लास्ट एग्जांपल है उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या है उष्मा शोषी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या बोलता है इसको ध्यान दीजिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया में, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे अभिक्रिया जिसमें हम लोग अभिकारकों को तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा या फिर इसमें बात करते हैं उष्मा का या फिर हम लोग बात करते हैं लाइट का, प्रकाश का, सनलाइट का जिसमें उपयोग होता है इसको अभिकारकों को तोड़ने के लिए, वो क्या कहलाता है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसका तीसरा अभिकार अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन जो आप लोग सुना होगा जाने होंगे, इसमें फोर्स में भी पढ़ने को मिलता है हम लोग को विस्थापन, हाँ तो वही है ये विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलता है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या बोलता है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। ठीक उसी प्रकार है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी प्रकार ये क्या कर रहा है, ये अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कहता है Fe आयरन होता है जिसका हम लोग सॉलिड मानते हैं, सॉलिड होता है और ये CuSO4 है जो एक्वाटिक होता है और आपका रिएक्शन क्या बन को मिल रहा है हमको, FeSO4 एक्वाटिक फॉर्म में और साथ ही साथ Cu सॉलिड फॉर्म में, जी हाँ। अगर हम लोग बात करते हैं लोहे की कील पे अगर भूरा रंग का कॉपर कवर चढ़ जाता है, भूरा रंग की कॉपर की परत जम गई है तो इसमें क्या होता है, CuSO4 के नीले विलयन के रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा लोहे की किल पे भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है और साथ ही साथ क्या होता है, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण होता है। यह साफ साफ बताया जा रहा है किसके कारण कौन से रंग फॉर्म हो रहे हैं और क्या विलयन में किस प्रकार का चेंजेज आ रहा है, तो इसको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में और हम लोग चौथा स्टेज फोर्थ स्टेज में थे, फोर्थ स्टेज में रहा है द्विविस्थापन, क्या है द्विविस्थापन, कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। अब लोग समझे आयन क्या होता है, तो आयन आप लोग बेखूबी जानते होंगे कि इसमें ऋण आयन होता है, धन आयन होता है, जो आयनों का आदान प्रदान होता है जैसे कि हम लोग इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम लोग आयन का आदान प्रदान करते हैं। फिर से इसको पढ़ते हैं, द्विविस्थापन क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच उसके आयनों के आदान प्रदान से होता है, किसके आयन, तो उसके यौगिक का आदान प्रदान, आयनों के आदान प्रदान, जैसे कि हम लोग एग्जांपल समझते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड। अब आगे से जब इक्वेशन होता है तो बल्कि क्या मिल रहा है हमको, आगे यहाँ मिल रहा है बेरियम सल्फेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट। अगर हम लोग देखते हैं इधर रिएक्टेंट की ओर तो यहाँ सोडियम सल्फेट था, बन के हमको क्या मिल रहा है, तो बेरियम सल्फेट मिल रहा है, और देखते हैं दूसरी तरफ क्या बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम
क्लोराइड बन रहा है। अगर देख रहे तो उसका यौगिक का जो आयन है वो दोनों जगह बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट है और यहाँ देखते हैं यहाँ बेरियम के साथ सल्फेट है। क्या है? बेरियम के साथ सल्फेट है। अब यहाँ देखते हैं बेरियम के साथ क्लोराइड है और यहाँ आते हैं तो लोग देखते हैं सोडियम के साथ क्लोराइड है। उसके आयन क्या होते हैं? परस्पर एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं। ध्यान देने वाली चीज है क्या हो रहा है? परस्पर एक दूसरे के साथ बदल रही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोलना चाहता है दिखता है। बेरियम सल्फेट जो इसका फॉर्मूला होता है BSO4, क्या होता है? BSO4 का सल्फेट अविलय अवक्षेप निर्माण करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक नंबर का सीधा क्वेश्चन डाल सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया? तो उसका सीधा सीधा और समझने वाली बात क्या है कि बेरियम सल्फेट का सफेद अविलय अवक्षेप निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कक्षा में बढ़ते जाएंगे और सारी ज्ञान को समझेंगे, इसके बाद जी ये मेरा ये पोर्शन ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो इसके जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के वो सारे हम सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और अपने एकेडमिक अचीवमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसका में सारा से सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही रहेगा। हर एक क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट ऑप्शनल तक का एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको देखते रहिएगा। ठीक है।